देखिए आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं जिसमें ए और एन का प्रयोग करना सीखेंगे। तो ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव ए पेन। अब उस जगह क्या होता है, जैसे मेरे पास एक सेब है तो इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव एन एप्पल। देखिए यहां पर लिखिएगा आई हैव एन एप्पल, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पुस्तक है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? आई हैव ए बुक। अब देखिए दो सेंटेंस हो गए ना, एक में एन का प्रयोग हुआ है और एक में ए का प्रयोग हुआ है। तो अब इसका मतलब भी एक होता है और इसका मतलब भी एक होता है। तो हम ये बात कैसे पता करेंगे कि हमें कहाँ एन लगाना है और कहाँ ए लगाना है? किसी को पता है? नहीं पता है। चलिए आज जानेंगे हमें कहाँ एन लगाना होता है और कहाँ ए लगाना है। तो देखिए मैंने आपको इनके बारे में बताया था क्या होते हैं ये? वॉवल्स होते हैं ना। तो देखिए अभी एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, आई हैव एन ऑरेंज, मेरे पास एक संतरा। अब देखिए यहां पर भी एन लगाया गया है और यहां पर भी एन लगाया गया है। तो हम इसका देखिए पहला लेटर देखेंगे, हम इसका पहला लेटर क्या है? ए है, इसका ओ है और इसका बी है। तो यहां से कुछ क्लियर हो रहा है? तो देखिए जब भी ये वाले लेटर आए किसी भी मीनिंग में ए ई आई ओ यू है ना, तो इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या होगा? आ होगा, ई होगा, मतलब हिंदी का प्रोनाउंसिएशन स्वर में होगा। वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे और जहां पर व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन होगा यानी कि कॉन्सोनेंट्स का, वहां पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर आया कुछ समझ में? तो देखिए यहां पर क्या था? एप्पल था तो ए स्वर है ना, तो यहां पर मैंने ए लगा दिया। अब ये बी ब, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ब, तो यहां पर ए लगा दिया। अब फिर से ऑरेंज आ गया तो ओ ऑरेंज, तो इसका ये है। क्लियर? अब देखिए एक दो और सेंटेंस लिख लेते हैं, आई हैव ए टेबल, तो यहां पर क्या लगा? ए लगा। अब देखिए यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कहां पर ए का इस्तेमाल करना है और कहां पर एन का इस्तेमाल करना है। देखिए जब ए पहले आ गया मतलब जब ये लेटर आएंगे तो उससे पहले हम एन लगाएंगे और इसके अलावा आएंगे तो हम ए लगाएंगे। क्लियर? एन ओ यू आर क्या होता है? आवर। आवर माने घंटा। तो जब इसके आगे लगाना हो तो हमें यहां पर क्या लगाएंगे? एन आवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन आवर लगाते हैं। तो कहोगे कि यहां तो एच है बट यहां पर एन क्यों लग गया है ना, तो यहां पर क्या है ना, इसमें एच साइलेंट होता है। जब हम इसको मीनिंग को पढ़ते हैं तो एच बोलते हैं क्या? देखिए हा नहीं आएगा, एच ओ यू आर आवर, क्या आया? आवर, एन आवर। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम बोलेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसमें स्वर आना चाहिए। अब जैसे हम देखें ये लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब अगर यूनिवर्सिटी के आगे मुझे क्या लगाना होगा? ए। ए लगाएंगे आपके हिसाब से ना? नहीं, पर यहां पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए यूनिवर्सिटी। क्यों लगाएंगे ए? क्योंकि जब हम इस यू का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है?
यू नी है ना, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं ना, तो यह क्या है, स्वर नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कहां हमें ए लगाना है, कहां ए लगाना है, और कुछ अखबार होते हैं वो भी आपको क्लियर हो गए। देखिए अब मैंने ये फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें आपको ए और एन भरना है। पहुंचिएगा, क्या है पूरा पढ़ के बताइए। ए रेड, एक चूहा, राइट गुड। एन अम्ब्रेला, वेरी गुड। एन एन एप्पल, गुड राइट है आपका। क्या हुआ, ए मंकी, एम है ना इसमें मंकी, तो ए आएगा, वेरी गुड राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट आइए, एन ऑरेंज, गुड चलिए सही है आपका भी। ए बनाना, वेरी गुड।